नमस्कार, एक बार फिर से पावन के इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 13th अध्याय आजकल चल रहा है और ये संबंधित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन। भाग 5 में आज हम दो अति महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और विषय रहेंगे क स्वराज्य दल, और इसमें बात करेंगे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी का क्या योगदान रहा, और ख साइमन कमीशन। और जब भी बात आती है साइमन कमीशन तो एक नारा होता है साइमन गो बैक, ये नारे क्यों लगे थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहीं बात करेंगे ऐसे शख्स की जो मौत के घाट उतारे गए थे उस समय, उनका नाम है लाला लाजपत राय, उनके साथ क्या होता उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं स्वराज्य दल का गठन। महात्मा गांधी ने, जिसके बारे हम बात कर चुके हैं कि असहयोग आंदोलन चलाया और 1922 ईस्वी में अचानक जो है इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा जो है वापस ले लिया गया चोरा चोरी घटना के कारण लोगों, लेकिन आम जो लोग थे वो इस बात से बहुत जो है वो रोष था, रोष व्यापक था गांधी जी के प्रति कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उनको लगता था कि आज़ादी मिलने ही वाली थी, लेकिन गांधी जी को मालूम है वो काफ़ी दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे, तो उनको मालूम था कि कब क्या करना था, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। गांधी जी को उस समय जो जेल में डाल दिया गया और चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू जी को कारावास से मुक्त किया गया, तो उन्होंने मुक्त होते ही सबसे पहले एक नया कार्यक्रम जो है जो उन्होंने जेल में ही प्लानिंग कर ली थी, और ये नया कार्यक्रम क्या था वो उन्होंने उसकी रूपरेखा 1922 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस गया में, याद रखना गया में हुआ, वहां पर उन्होंने इसकी पेश की रूपरेखा कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि 1923 ईस्वी में जो विधानमंडल के चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को भाग लेना चाहिए, भाग लेंगे, और इसका जो है कांग्रेसियों में ही जबरदस्त विरोध हुआ। जबरदस्त क्यों? क्योंकि देखिए 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ उससे पहले असहयोग आंदोलन की रूपरेखा क्या थी कि असहयोग करेंगे हर जगह, कहीं भी हम जो है शामिल नहीं होंगे सरकार के प्रति। तो लेकिन ये जो बात थी बिल्कुल विपरीत थी चित्तरंजन दास द्वारा कही गई या मोतीलाल नेहरू के द्वारा सुझाई गई बात। तो लोग जो है, जैसे कि डॉक्टर अंसारी की बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति बने, या राजा गोपालाचार्य थे, ये ऐसे लोग जो थे वो बिल्कुल इसके बरखिलाफ थे। लेकिन फिर भी स्वराज्य दल की स्थापना 31 दिसंबर 1922 ईस्वी जो कर दी गई, और इसके अध्यक्ष बनाए गए चित्तरंजन दास जो बंगाल से थे, और सचिव बनाए गए मोतीलाल नेहरू। अब पढ़ते हैं स्वराज्य दल तो गठित कर दिया गया, स्वराज्यवादियों के उद्देश्य किस उद्देश्यों, किन उद्देश्यों को लेकर जो है स्वराज्य दल जो है स्थापित किया गया था। पहला उद्देश्य, विधानमंडलों में प्रवेश करके सरकारी नीतियों का विरोध करेंगे, जिसकी बात हो चुकी है भी विरोध करेंगे, हमें मौका मिलेगा, सरकार हमें मौका देगी, लेकिन हमें चुनाव लड़ने पड़ेंगे, फिर हम जाएंगे और उसके बाद जो विरोध करेंगे लॉजिक तरीके से, सही तरीके से। दूसरा था सरकार को स्वेच्छा चारिता से रोकना, कि स्वेच्छा करी तो जो रॉलेट एक्ट बना दिया, स्वेच्छा करे कुछ और बना लिया, इससे रोकेंगे, तथा देश हितों के कानून बनाने के लिए विवश करेंगे, देश के लिए क्या जरूरी है, कौन से कानून बनने चाहिए वो कानून बनाने के लिए विवश करेंगे। जैसा कि अगर आज की डेट में बात करते हैं, हमारा जो विपक्ष है वो स्ट्रांग नहीं है और कहीं भी टिक नहीं रहा है, सरकार की हर एक नीति के आगे जो उसको झुकना ही पड़ रहा है, तो सरकार का अपोजिशन होने में स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो सरकार को स्वेच्छाचारिता से रोक सके। ये कार्य जो है वो स्वराज्यवादियों ने किए। 1919 ईस्वी के एक्ट का सरकार पुनर्निरीक्षण करवाने के लिए भी बाध्य किया। देखिए 1919 के एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, उसके अनुसार कुछ नहीं मिला था, केवल जो सांप्रदायिकता चुनाव प्रणाली को और बड़ा कर दिया गया था और कुछ भी नहीं। तो वो चाहते थे कि इसका पुनर्निरीक्षण किया जाए और उसमें सुधार किए जाए, डाले जाए हमारे अनुसार जो हमें चाहिए। चौथा था असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए हुए जो व्यक्ति थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, निर्दोष व्यक्ति, उनको मुक्त किया जाए, ये भी स्वराज्यवादियों का उद्देश्य में शामिल था। अब आता स्वराज्य दल के कार्य, क्या किया उन्होंने जैसे ही वो चुनकर आए। अगर पहले बात कर लेते हैं कि नवंबर 1923 ईस्वी में विधानमंडलों के चुनावों में कांग्रेस को काफी सफलता प्राप्त, देखिए केंद्र की बात करें क्योंकि स्टेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है वो विधान जो मंडल थे वो अलग अलग थे, सीटें अलग अलग थी। यहाँ पर केवल जो है 101 सीटें थी उस समय, और 100 सीट में से 42 सीटें, बहुत बड़ा था एक, मतलब कितना बड़ा अपोजिशन उनको मिल गया था, 42 सीटें विजयी हासिल करी, बहुमत नहीं था लेकिन 42 सीटें उनको मिल गई थी, बड़ी बात थी। तो एक विरोध करना ये किया जा सकता था। स्वराज्य दल ने सर्वप्रथम केंद्रीय विधानमंडल में महात्मा गांधी को मुक्त करने का प्रस्ताव जो है वो पारित करवाया,
मुक्त और बाद में इसका परिणाम भी मिला। दूसरा जो कार्य किया वो था कि 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था, एक्ट था, उसको परिवर्तन के लिए सरकार को बाध्य किया और इसके अलावा नया संविधान बनाने के लिए भी, कि क्योंकि चैलेंज किया था गोरी सरकार ने कि अगर आपने स्वराज्य लेना है तो नया संविधान की तरफ हम आज़ादी देंगे लेकिन नया संविधान तो बनाओ, तो उसकी दिशा में भी जो याद दिलाई कि जल्दी से गोलमेज सम्मेलन जो है वो लाया जाए, इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया सरकार के द्वारा। दूसरा, तीसरा जो है 1926 ईस्वी में स्वराज्यवादियों ने उन सब लोगों को बिना शर्त तुरंत मुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया जो बिल्कुल निर्दोष थे, जिन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था सरकार के द्वारा, ये भी प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 ईस्वी में 2 साल के बाद फिर जो है एक और प्रस्ताव पारित किया क्योंकि उनको मालूम था कि अछूत हमारे जो लोग हैं, पिछड़ जाति के लोग हैं, उनका उत्थान बहुत, अगर वो उनका उत्थान होगा तो देश की मजबूती होगी, तो उनके उत्थान के लिए भी उन्होंने प्रस्ताव जो है वो पारित किया। फिर पांचवा, स्वराज्यवादियों ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में सरकार की गलत नीतियों का विरोध जो है वो जारी रखा। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इनको चाहे केंद्र हो चाहे प्रांतीय हो, हर जगह इन्होंने सरकार को गलत जो नीतियां थी उनके विरोध में जो है वो डटे रहे। फिर आता है स्वराज्य दल की अवनति, लेकिन हर जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। तो इस तरह से क्या था कि जून 1925 ईस्वी में चित्रंजन दास की अकस्मात जो है मृत्यु हो गई। अब जो जहाज का जो कप्तान था वो ही मृत्यु के ग्रास में चला गया, तो आप सोच सकते हो उसका जहाज का क्या होगा। तो स्वराज्य जो पार्टी थी उसको जबरदस्त झटका लगा और ये स्वराज्यवादियों के जो उसमें पक्ष में जाती है क्या कि उन्होंने देश में जो सांप्रदायिकता की भावना थी उस पर अंकुश लगाया था और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था स्वराज्यवादियों का, क्योंकि देश को सांप्रदायिकता से इस बड़े काले धब्बे से बाहर ले जाना और लोगों में एकता स्थापित करना ये हमारे आंदोलनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तभी जो है एक झंडे के तले जो है लोग केवल भारतीय बनकर निकले, ये कार्य जो है स्वराज्य दल के लोगों ने किया जिसमें चित्रंजन दास का नाम सबसे प्रमुखता आता है। लेकिन इनकी मृत्यु के पास क्या हो के बाद क्या हुआ कि जैसे पार्टी में और लोग होते हैं, कोई किस तरह पक्ष में होते हैं, कोई किस पक्ष में होते हैं, ऐसा ही हुआ। पार्टी में जो है आपसी फूट पड़ गई, दो दल में डिवाइड हो गया, एक जो है ब्रिटिश सरकार की गोद में जा बैठा और एक दूसरी तरफ खड़ा हो गया। तो इस तरह से जो लोगों का जो विश्वास था स्वराज्य दल की तरफ जो है वो खत्म हो गया और धीरे धीरे ये जो दल था ये समाप्त हो गया। अब बात करते हैं स्वराज्यवादियों का मूल्यांकन कर लेते हैं। निस्संदेह जो है स्वराज्य दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, किंतु फिर भी उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो प्राप्त है। क्यों, एक पढ़ लेते हैं। स्वराज्य दल ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के कारण जो निराशा उत्पन्न हो गई थी उसे आशा में परिवर्तित किया, लोगों में नया एक उत्साह भरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस समय लोग बहुत निराशा में थे कि भाई क्या हो गया, क्यों ऐसा किया गांधी जी ने। तो वो सारे जो क्वेश्चन थे उनको जो है फिर से लोगों में एक नई चेतना, नया उत्साह उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ी बात है। एक हारे हुए व्यक्ति को उस जगह पर लाकर खड़ा कर देना कि वो सोचे कि नहीं अब मैंने जीतना है, ये बड़ी बात है। तो वो स्वराज्यवादियों ने किया था, ये मूल्यांकन में पहला नाम आता है, स्थान आता है। दूसरा, उन्होंने सरकार की नीतियों की निरंतर आलोचना जारी रखकर उसे अनुचित कार्य करने से रोका। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम कुछ ना कर पाए, कम से कम वो सरकार को गलत नीतियां, रॉलेट एक्ट जैसे ऐसे एक्ट बनाने से रोक पाए, ये बड़ी बात है। तो ये कार्य भी किसने किया, स्वराज्यवादियों ने किया। तीसरा, यह पार्टी महात्मा गांधी को कारावास से मुक्त करवाने, महात्मा गांधी आजाद हुए जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के या पूरे देश के बन चुके थे उस समय तक, तो उनको आजाद करवाने में भी स्वराज्यवादियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। ये मूल्यांकन कर रहे हैं हम, इसका बड़ी बात है, मूल्यांकन में पता लगता है कि कौन सही था, कितना सही था। इस दल के प्रयत्नों से 1924 ईस्वी में सरकार ने 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम का अनुमान लेने के लिए मुड्डी मैन कमेटी नियुक्त की थी, ठीक है। और इस कमेटी की ही सिफारिश के कारण 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था, यह भी इसी दल के प्रयत्न के कारण था, ठीक है। यह अलग चीज है कि साइमन कमीशन ने क्या था, क्या उसका जो है वो बहिष्कार क्यों हुआ, वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने दो, एक तो कमीशन बैठाया, उसके बाद एक कमेटी बैठाई, कमेटी ने सुझाव दिया साइमन कमीशन का, तो ये किसके कारण हुआ, स्वराज्य दल के प्रयत्नों के कारण। पांचवा,
इसलिए सरकार को भारतीयों के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए भी गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी विवश किया गया। ये भी कार्य जो है स्वराज्यवादियों के लिए पक्ष में जाता है। अब बात करते हैं जल्दी जल्दी से साइमन कमीशन की। 1919 ईस्वी का सुधार जो कानून की समीक्षा तथा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। क्यों की गई थी? जो सुधार अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए। और नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन जो नियुक्त किया गया और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। याद रखना सर जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष थे तथा 7 अन्य सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य कैसे थे? भारतीय नहीं थे, ये अंग्रेज थे। ये विरोध का कारण था कि ये क्या कौन होते हैं हमें बताने के वाले, अंग्रेज क्या पता लगेगा कि भारतीयों को क्या चाहे, जो ब्रिटिश सत्ता ब्रिटिश जिन्होंने कभी भारत देखा ना वो लोग डिसाइड करेंगे कि भारत में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं का जो है पक्ष था या भारतीयों का पक्ष था कि ये गलत है। इसी वजह से साइमन कमीशन को जो है वो नकारा गया। तो हिंदू तथा मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर इसका जो है वो इसके विरुद्ध गए थे। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंचा और लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक जो नारे थे किस लिए लगे थे कि हमें आपको मंजूरी नहीं है, हमारा कोई आदमी नहीं है इसमें, तो ये आप वापस जाइए। देश भर में ये हड़तालें होती गई और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये तो सिर्फ हुआ मुंबई के बाद, लेकिन लाहौर में एक व्यक्ति था जो इस आंदोलन के बिल्कुल साथ डटा हुआ खड़ा हुआ था, एक वर्चस्व के तौर पर आगे अग्रणी श्रेणी में खड़ा हुआ था और थे लाला लाजपत राय। तो लाठीचार्ज से ही हर जगह लाठीचार्ज हो रहे थे, उस लाठीचार्ज में इनके सिर पर बहुत सारी चोटें आई और ये घायल हो गए और अंततः इन्हीं घायल चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी की मृत्यु हो गई। तो लाल बाल पाल में से जो लाल थे वो खत्म हो गए 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। ये ब्रिटिश शासन के प्रति जो घृणा थी लोगों की वो और भी बढ़ गई। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो 23 मई 1930 ईस्वी को जारी की, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए तथा प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की जाए, प्रांतीय विधानमंडलों की सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए और केंद्रीय सरकार प्रांतों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, केंद्रीय सरकार स्वायत्तता दी जाए, विधा जो प्रांतीय सरकार है वो उनको भी शक्तियां दी जाए, बल्कि गवर्नरों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई ताकि मंत्रियों के परामर्श को जरूरत पड़ने पर बदल सके। देखिए मंत्री तो बना दिए गए थे लेकिन बड़ा कौन रखा गया? सिर्फ गवर्नर ही, कि उसको विशेष शक्तियां दे दी गई ताकि जो है वो उनके निर्णय को भी बदल सके। तो इस प्रकार से ये फिर प्रांतों को अधिक वित्तीय संसाधनों की आज्ञा दी जाए, वित्तीय संसाधन कहां से पैसा आएगा खर्च करने का ये प्रांतों के पास होना चाहिए, तभी प्रांतों में जो है वो क्या आएगी, उन्नति होगी। जैसे कि आज की डेट में कहा जाता है कि अगर आपने देश में तरक्की लानी है, देश के लोगों तक जो है अपना विकास पहुंचाना है, तो सबसे नीचे वाली इकाई पंचायत से शुरू कीजिए, तो उनको विशेष अधिकार दिए जाए, उनके पास ज्यादा संपत्ति। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था भी उन्होंने सुझाव दिया। फिर पांचों की वर्मा उस समय जो भारत का ही हिस्सा था वो कहा गया वर्मा यानी म्यांमार, तो ये गलत हो गया, भारत से अलग कर दिया जाए, ये भी उन्होंने सुझाव दिया। एक और सुझाव था कि सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए, सिंध को मुंबई से अलग, सिंध उस समय जो है मुंबई का ही हिस्सा हुआ करता था, इस प्रकार से अलग प्रांत उनका बनाया जाए। सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार बढ़ाया जाए, उन्होंने इसके कम नहीं किया गया सांप्रदायिकता, यही तो कारण था कि हम जो नाराज किस वास्ते 1919 के अधिनियम के कि ये गलत था, गलत इसमें जो है वो मताधिकार दिया गया, लेकिन इन्होंने कहा सांप्रदायिकता के आधार पर मताधिकार बढ़ाया जाए, कम ना किया जाए, सेना का भारतीयकरण कर दिया जाए, सेना का भारतीयकरण कर दिया जाए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए और भारत संघ की स्थापना की जाए, जिसमें भारतीय रियासतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया था, भारत संघ की स्थापना की जाए जिसमें भारतीय रियासतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया था कि वो भी शामिल हो गए भारतीय संघ में, केवल वही नहीं होंगे जो राज्य या केंद्र की तरह, जो भारतीय रियासतें थी उनके प्रतिनिधित्व को भी कहा गया कि वो भी अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। तो इस प्रकार से एक संघ बनाने की कोशिश की गई। निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह से भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था उसके बावजूद भी इनकी सिफारिशें अधिकतर भारतीयों के हितों में थी, लेकिन फिर भी यह रिपोर्ट भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रही। ये माना जा सकता कि जैसे माना जाता था कि ये गोरे लोग आए और ये गलत ही करेंगे सब कुछ, कुछ एक को छोड़कर कहा जा सकता है कि
अधिकतर जो सोचा नहीं था, उन्होंने फिर भी उस संतुष्टि के काबिल जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन अब क्योंकि भारतीय को क्या चाहता, स्वराज्य, हम मांग कर रहे थे स्वराज्य, हमें स्वराज्य से कम नहीं मिलना चाहिए और ये कम मिल रहा था, इसलिए इन सिफारिशों को जो पूरी तरह से नकार दिया गया। धन्यवाद, थैंक यू।